वरिष्ठ सांबादिक केदार मिश्रा आम सहित अच्छा केदार बाबू कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुच्छे। प्रथम आपन को जानवापी चाहेंगे खाकी हाफ पैंट रे कांग्रेस निया लगे दीछे, अन्यपटे भारतीय जनता पार्टी रा तमाम नेता भितरे दल भितरे मध्ये निया लगी जाइछ, पोड़ा जड़ा एबेठ आरंभ हो जाइछ। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत रो स्लोगान देइतला, आज जातीय कांग्रेस आरएसएस एवं बीजेपी मुक्त भारत अब ए एबळिक सांकेतिक फोटो आनी स्लोगान आरंभ कर दीछ। मु केवल आपन को स्पष्ट भाव जानिबा पाई चाहे केदार बाबू, ए तीन दिन तले राहुल गांधी का भारत जोड़ा आंदोलन को लेकिन राहुल गांधी पिंधिता टी सार्ट को लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च नेता जे वर्तमान केन्द्र गृह मंत्री अमित शाह मध्य राहुल गांधी का टी सार्ट उपर प्रश्न उठाई, एवं बीजेपी सोशल मीडिया टीम राहुल गांधी टी सार्ट 44,000 टंका विदेशी टी सार्ट राहुल गांधी पिंधुचंती यहाँ को लेकिन खूब जोरदार प्रचार कर सार्ट पर हाफ पैंट आसी पुणी आरएसएस पूरा घटना को केम देखुं केदार बाबू। पूरा घटना को जब मत कह गोटे धाड़े कह भारत राजनीति वर्तमान कुर्ता छता जोता निकर यही स्तर को चली आसा हूँ प्रथम कथा। आज पुणी कौन माने बीजेपी बोधे राहुल जोता को लेकर किसी ट्विट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्ता चश्मा कलम घंटा पगड़ी ताकू नहीं बहुत आलोचना हो पार तेब मु जो ये हाफ निकर ये खाकी निकर धूआ बाहर निया लगे बा, या आरएसएस और बीजेपी प्रतिक्रिया मुझे बुझीपार नहीं आप छाड़ हाफ निकर आंधुना मु तो देखुना मझे गोटे खबर पढ़ु जो कड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तार यूनिफर्म बदल से जो खाकी निकर बदल एबे कोड़े लंबा फुल पैंट पिंधुं जदि आपणकर यूनिफर्म सेटा नुह ताले ताकु नेकरी एते उत्तप्त होवार कौन सी कारण ना। द्वितीय कथा कहूँ जे आपण तो कहते जे कांग्रेस आपणकर विरोधी ही नुह आपण तो कांग्रेस मुक्त भारत कर सारी कांग्रेस कौन सी औकात ना कौन सी अस्तित्व ना बोल नेता मैंने कहते हैं कांग्रेस गोटे जात्रा जोटा से साढ़े पाखापाखि 3,000 किलोमीटर अधिक जात्रा करेंगे ताकू नहीं आपको ये चिंता कहीं लगुच। अमित शाह राहुल गांधी कुर्ता को लेकर चिंतित कहीं पु को ब्रांड कुर्ता पिंधुची सीटा किए देखी से विषय प्रश्न पचार दरकार बर्तमान पु बीसीसीआई रो सेक्रेटरी होती कौ योग्यता बल सेक्रेटरी होती प्रश्न पचरा दरकार। देशर प्रधानमंत्री गोटे सभार आउ गोटे सभा भितर को गला बेले केते थर ड्रेस बदलाउछन्ति से विषय मध्ये प्रश्न पचरा जीवा उचित। तेणु राजनीतिर स्तर जेतेबेले एठी की आसे सेठी गोटे कथा घटे जे आपण मूल प्रसंग रे आलोचना करबा को चाहुना एक्जेक्टली यस आपण देशर जो मूल प्रसंग एवं कांग्रेस गोटे कथा स्पष्ट कर देछि ए जो निकर फोटोटा को देखिरी जे कांग्रेस गोटे जगह रेखांकित करछि जे भारतर मौलिक समस्या होची देशरे जो मौलवाद सांप्रदायिकतावाद एवं असहिष्णुता बढ़ुची तार मुख्य कारण होची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तेणु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विरुद्ध गोटे देशव्यापी आंदोलन करने कांग्रेस डाकरा ताकू नहींक्री आपण जदि कहिबे जे आरएसएस चलाओ आज्ञा ये देशर सर्वाधिक दंगा कौ गोष्ठी एवं कौ दल कर तार रिपोर्ट आप पढ़ु जिते दंगा कमिशन हो भारतवर्ष स्वाधीनता आंदोलन समय एवं स्वाधीनता पर ये देश में जिते दंगा घटी एवं से दंगा अनुसंधान पाई जी कमिशन बसची से कमिशन रिपोर्ट गुड़ाक जी आप पढ़े से कमिशन रिपोर्ट आधार आप स्पष्ट कहीदेपर जे ए देश में दंगा सृष्टि करुवा सबुठ बड़ संगठन ना कौन से संगठन ना कहार कौन से आवश्यकता ना।
तेणु जो माने मूलतः दंगा तैयारी करती दंगार सूत्र निर्माण करती से माने कांग्रेस उपरे ए प्रकार आरोप लगेबाटा एटा गोटे प्रकार हास्यास्पद कथा एवं कांग्रेस जो सांकेतिक प्रश्न देछि आपण तक जो आपण भल शब्द व्यवहार कर ओडिया रे कहू जलापोड़ा जे जेतेबेळे कांग्रेस निजर रिभाइवल पई गोटे यात्रा आरंभ करुच्छे गोटे सांगठनिक यात्रा आरंभ करुच्छे सेतेबेळे आपणकर जलापोड़ा होउछि जलापोड़ा होउछि बोलिकरि आपण छत्ता जोता कुर्ता को लेकर आलोचना करुछन्ति आपण मिछ कहउछन्ति आपणकर केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी डाहा मिछ कहिले कहले जे कन्याकुमारी यात्रा आरंभ होला राहुल गांधी विवेकानंद को सम्मान देले नै अथच एएनआई रिपोर्ट करछि राहुल गांधी जाइकरि कन्याकुमारी विवेकानंद रक्त जाइकरि स्वामी विवेकानंद को श्रद्धासुमन अर्पण करमंत्री डाहा मिछ कह लज्जा भी लगू ना से कहते राहुल गांधी को लज्जा लगू ना कि केन्द्रमंत्री को लज्जा लगू ना से डाहा मिछ कह तेणु निरंतर मिछ कह से मिछ को प्रचारित करवा आप देखिए भारतीय कांग्रेस पार्टी आज केवल भारतीय जनता पार्टी सहित लड़ूना कांग्रेस सबुठू बड़ लड़े हूँ वर्तमान देशर तथाकथित जातीय गणमाध्यम सहित जे गत काली जदि कांग्रेस ट्वीट को काउंटर करके बीजेपी जो काउंटर कला सेटा ही हूँ ए देशर जातीय प्रसंग ए देशर जो तथाकथित बड़ बड़ एंकर अच्छी ए देश में मुद्रास्फीति गोटे बड़ आलोचनार प्रसंग नुहे आपणकर रिटेल प्राइस गत काली ही जना पड़े जो इनफ्लेशन पुणी 7% रु अधिक अच्छी से प्रसंग आपणकर जातीय चर्चा होगुना आपणकर अनएम्प्लॉयमेंट स्तर बढ़ी बढ़ी जाऊँच से संपर्क आलोचना होना आलोचना हूँ कौन नहीं राहुल गांधी पिंधुवा कुर्तार ब्रांड कौन राहुल गांधी पिंधुवा जोतार ब्रांड कौन तार मूल्य के खाकी चडी रे निया लगी जाइए आगे खाकी निकर आप छाड़ी सारी छाड़ दे ना आपण को जदि खाकी निकर भल लगे ना बोल बदल कांग्रेस जदि आपको आज खाकी निकर बोल चिड़े चेस्टा कर प्रभावित कहीं होती आप खाकी निकर ना खाकी निकर तुम पुराणा होगा ना से तक भी कहार दम ना खाकी निकर आपको छाड़ू ना स्मृति आपको छाड़ू ना कि खाकी निकर जो रक्तर छिटा लगी तो हूँ निर्घात सत्य ये सत्यटा को आपति अणदेखा करेंगे आउ गोटे बड़ प्रसंग जो कांग्रेस भी तक उत्तर देवाक पड़ो जे ये आरएसएस नामक संगठन जे कि महात्मा गांधी हत्या कांडरे संप्रति अच्छी बोलिकी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ को निषिद्ध घोषणा करते अवश्य परवर्त समय से पुणी अदालत को गले छाड़ पाइले से संगठन एत विशाल आकार धारण कला कमी जो संगठन कौन सी रजिस्ट्रेशन नहीं से संगठन को फंडिंग करुचे किए एक्जेक्टली से संगठन रो जो विराट काय जो शताधिक ब्रांच वर्तमान तैयारी दुर्गा वाहिनी बजरंग दल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व हिंदू परिषद केते केते संगठन केदार बाबू माने कौन करछन दे ए संगठन गुड़ी को तैयारी हला किए ए संगठन गुड़ी को एते गुड़ाए जगह माड़ी बसले केमती एते ऑफिस से मन को केमती मिलिला ए मानको फंडिंग करूची किए ए संपर्क रे कांग्रेस एते वर्ष धरि के शासन रहिला परे बी ए मानको ऊपर कार्यानुष्ठान नेला नाही जा फल रे कांग्रेस को ही आज से दोषा भोगिबे को पड़ुछ सरस्वती शिशु मंदिर जो संख्या रे बढ़िला एवं से मानको विभिन्न स्तर रे जो प्रकार राजनीतिक पृष्ठपोषकता मिलला से कांग्रेस को कोठी ना कोठी उत्तर देवाक पड़ो यस एक्जेक्टली आरएसएस रो ग्रोथ पचरे केवल बीजेपी समर्थन थिला ले आपण कहि परिबे नै ए देश रे 50 वर्ष पाखापाखी कांग्रेस शासन करछि कांग्रेस जदि भारतीय जनता जो आपण आरएसएस को लगाम लगे थांता तांकु जदि प्रश्न पचारि थांता तांको पचरे जदि ईडी लगे थांता जोटा जो काम आज भारतीय जनता पार्टी करुछि जे गोटे संगठन जार रजिस्ट्रेशन नाही
ସେଟା କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ସେ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି ତାର କିଛି ଏଇଟା ନାହିଁ। ତାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ କିଏ କରୁଛି, କେମିତି ସେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁଛି, କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ନାହିଁ ସେ ସଂସ୍ଥାର। ସେ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସଂଗଠନ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇକରି ଆଜି ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଓକେ କେଦାର ବାବୁ, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ତୋଡ ଆଗ ଲଗାଓ ଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଯୋଡ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରାୟ, ଏ ଭାରତ ଯୋଡ ଅଭିଯାନ ପଛରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅରାଜକତା ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭାରତକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଥଟା ମଜା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କରୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟି ସାର୍ଟର ଦାମ କୁଆଡ଼େ 44,000 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ 44,000 ଟଙ୍କାର ଟି ସାର୍ଟ କୁଆଡ଼େ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ, 50,000 ଟଙ୍କାର ଜୋତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆଦାନୀ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପପତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଶୋଷୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଏସ ଆରାମ କରିପାରିବେ, ନେତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ ନେତା ଧୁଲାୱା, କେହି ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାମୀ ମଫଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦାମୀ ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ସଚୋଟ। ଆଉ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ନେତା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦାମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଏ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର କ'ଣ କହିବେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମୋତେ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁଠୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପଶବ୍ଦ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବ, ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରାହବ ତ ସେଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ନା। ଏ ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା, ସବୁଠୁ ଦାମୀ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକ ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଏପଟେ ଫିରୋଜ ଗାନ୍ଧୀ, ଏଇ ପରିବାରର ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା 42,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଲା, ସେଇଟା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ତାହେଲେ ଚା ବିକୁଥିବା ଲୋକଟାର ପୁଅ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 10,00,000 ଟଙ୍କାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ଓବାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଏକଥା ବିଜେପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୋଷାକ କିଏ ଦିଏ, କିଏ? ମୁଁ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଅଛି, ସେଇ ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେଉଛି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚଷମା ଯେଉଁ କିଣିଛନ୍ତି ତାର ବିଲ୍ କିଏ ଦେଇଛି? ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରମା ଯେତିକି, ସେତିକି ଦରମାରେ ସେ ଏତିକି ପୋଷାକ କିଣିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 41,000 କି 42,000 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହିସାବରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଜଣେ MP, ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ନ କଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ନ ପିନ୍ଧିବେ ସେଇଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚଏସ୍, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି? କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବାପା ଚା ବାଲା ଥିଲେ,
गोटे चावालार पुओ पाखक 10 लाख टंका एवं दिनक 12टा 14टा पोशाक बदलकर आप देखिए प्रधानमंत्री कौन सी पोशाक रिपीट हो ना। प्रधानमंत्री आज जो पोशाकटा पिंधुचंती सेटा आउ थरे पिंधिबार आप देखिछंती कि एते पोशाक कौट ए देश में जड़े गांधी थे मुझे देखुली जिते राहुल गांधी को उदाहरण देला बेले महात्मा गांधी उदाहरण कई जन सांबादिक दौले महात्मा गांधी गोटे समय सब पोशाक छाड़ देकर आंठु लुचु ना गोटे धोती आ गामुछा जीवन चलीगला सारा जीवन से मैंने दुईटा दी खंड लुगा किंतु से समय से गुजरात आसा प्रधानमंत्री दिनक 12 थर तो पोशाक बदलाउंट ना से प्रश्न गोटे उठवा दरकार आज द्वितीय कथा होची जे भारत जोड़ो यात्रा जोटा 3000 किलोमीटर अतिक्रम कर 100 किलोमीटर भितर जदि बीजेपी प्रतिक्रिया यही स्तर को आजार 3000 किलोमीटर पहुंचला बेलू प्रतिक्रिया कौन हम एम गोटे समय कहते राहुल गांधी पप्पू राहुल गांधी राजनीतिक प्रभाव ना कांग्रेस संपूर्ण भाव समाप्त हो जाइए कांग्रेस को कई पचार बाबू कांग्रेस को जदि कई पचार राहुल गांधी जदि पप्पू ताले से पप्पू कौ कुर्ता पिंधला से तुमर कहीं मुंड पिंधुच कांग्रेस पार्टी गोटे ट्वीट रे तुमर पूरा बीजेपी पोड़ा जला एत जोर आरंभ कहीं या पूर्व कांग्रेस विरुद्ध एवं कांग्रेस प्रति एत प्रकार अशालीन मंतव्य भारतीय जनता पार्टी मंत्री खोद प्रधानमंत्री गृहमंत्री अमित शाह देखते सेठरे तो कांग्रेस किसी प्रतिक्रिया प्रकाश करनी या पूर्व केदार बाबू आप देखिए राहुल गांधी अट्टा को लिटर कहते के जी को लिटर कहते बाहर क्षणी बीजेपी सर्वोच्च नेता मैंने के भूल कथा कहते आज्ञा खोद प्रधानमंत्री वक्तव्य देखुना बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ देख प्रधानमंत्री निजर ऐतिहास इतिहास ज्ञान के ये हूँ से प्रधानमंत्री जे कौन गुरु नानक कबीर और गोरखनाथ गोटे जगार बसिक आलोचना करुले 300 वर्ष गेपी 500 वर्ष गेप अच्छी तीन जन महापुरुष भितर ये आलेक्जेंडर को तक्षशिला पर्यटन नहीं आसते तक्षशिला को कहले ये बिहार में अच्छी ये हूँ से प्रधानमंत्री जी कहले कोणार्क वैरिटी बैग धरिकी ठियाई कोणार्क मंदिर कौन 2500 वर्ष तलर मंदिर तेणु स्लीप ऑफ द टंग को लेकर राजनीति जो मैंने करती निकृष्ट राजनीति मुख्य एजेंडा मुख्य प्रसंग जो प्रसंग आधार में कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन अभियान आरंभ कर लोकों पाखे जोड़ी हो भारत को जोड़ापाई प्रयास कर भारत जोड़ पक्षर जो उद्देश्य रही उद्देश्य को कहीं बीजेपी स्वीकार करूना नहीं नहीं भारत देखो बीजेपी तो स्वीकार करना बीजेपी और कांग्रेस परस्पर विरोधी और से कई क्या स्वीकार करेंगे ना नहीं प्रसंग आधार रे किंतु प्रसंग गोटे मूल मजा कथा हूँ प्रथम थर पर गोटे नुआ कथा ये भितर सुनील आप देखुए या पूर्व कौन हो भारत राजनीति में विशेषकर सांबादिकता क्षेत्र में गणमाध्यम बीजेपी गोटे एजेंडा सेट कर सही एजेंडा को कांग्रेस रेस्पोंड करथला रिएक्ट करथला यस एबे कथाटा उल्टीबा आरंभ होई एबे कांग्रेस एजेंडा से करूची यस बीजेपी रिएक्ट करूची कि रेस्पोंड करूची तेनो ए जो ये कांग्रेस पाई शुभ लक्षण एटा कांग्रेस रो रिवाइवल पाई गोटे शुभ लक्षण एवं राहुल गांधी तंकु जो कुहा होतला जे से होचंदी गोटे आइवरी टावर रे बसितिबा नेता से छुट्टी मनेबो को बारंबार देश बाहर को पढौचंती तेणु राहुल गांधी जिते चलिया आरंभ कर देखो तो पदयात्रा राजनीति सारा देश में सब बड़े गोटे सकारात्मक परिवर्तन आश्चित आपण मन थी जे बिजु पट्टनायक होती ओडिशार एकमात्र नेता जी 1963 रे मुख्यमंत्री हेबा पर 1998-90 पर्यंत गोटे दीर्घ वर्ष धरिक से क्षमता दूर रे क्षमता को पुणी थे फेरवापी विजु बाबू जानकी बाबू समय बहुत पदयात्रा कर कलिंग रथ बाहर कर चली चली बहुत जगह बुझे साइकिल यात्रा कर जो कनेक्ट टू द पीपल कनेक्ट टू द मासेस एथ पदयात्रा
ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଅମୋଘ ପ୍ରତିଦିନ 25 କିଲୋମିଟର ରୁ ଅଧିକ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦୁଇଟା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେମିନା ଅଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ପପୁଲାର ନେତା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାହଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ନେତା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପଛଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଏପରିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି ସୋ କଲ୍ଡ ପପୁଲାର ଲିଡର ହୁ ଇଜ୍ ୱାକିଂ ଏଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଏ ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ହୁ ଇଜ୍ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ କମନ୍ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ସାଧାରଣ ଚାଲୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୟେସ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତେଣୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବିଜେପି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ କରୁଛି ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଟ କିଏ ଯେ ଏ ଦେଶର ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ପୃଥିବୀର ଆପଣ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତି ଦେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଏରି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଯିଏ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ତ ଟିଭି ଦେଖିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କ୍ଲିପିଂସ ଆସୁଛି ଟ୍ୱିଟରରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲିକି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଅନଅଫିସିଆଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ତ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଅନଅଫିସିଆଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତ ଯୋଡ଼ କରୁଛି ନା ଭାରତ ଜଲାଓ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ନୁପୁର ଶର୍ମା ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଶୋଦ୍ଗାର କଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବିଜେପିକୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ଜ୍ଞାନବାପୀ ମାମଲାର ହିୟରିଂ ହେବ ବୋଲିକରି କୋର୍ଟ କହିଲା କ୍ଷଣି ସାରା ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷର ବିଜୟ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ପ୍ରସିଡିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି ସାରା ଦେଶକୁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଜଲାଓ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସମୟ ଆସିଛି କାରଣ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ କେବଳ ବିଜେପିକୁ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଦେଶରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ଏ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଏ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏ ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲା କେମିତି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ କେମିତି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତାମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ କେମିତି ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇକିରି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରାଯିବ ଏ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମିଲ ଥିଲା ସେମିତି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଦେଶକୁ ବିଭାଜିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମିଲ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ଦେଶର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ସେଠି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ କଂଗ୍ରେସ ରାଇଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଭାରତ ଯୋଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆସାମରୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ରହି ନପାରେ ହୁଏତ ମିଡ଼ିଆ ୟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସକୁ ଦେଖିକରି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୀବନୀର କାମ କରିବ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ ଟୁ ଦ ପିପୁଲ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଅପୋଜିସନ୍ ଲିଡର ଯିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଦେଶର କର୍ପୋରେଟ୍ ରାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାହେଉଛି
तार विरोध में अति स्पष्ट मत दौंट तेणु अपोजिशन सबुठ टलेस्ट लीडर भाव में राहुल गांधी ग्रहणीयता को बढ़ेबारे भारत जोड़ो यात्रा गोटे प्रमुख भूमिका नब एवं एटा जदि 2024 निर्वाचन पूर्व गोटे टर्निंग पॉइंट सब्यस्त हुए ताहले मु आश्चर्य हेबी ना कारण भारत जोड़ो यात्रा रो सफलता उपरे 2024 निर्वाचन रो फलाफल अनेकांश निर्भर कर किंतु वर्तमान केदार बाबू कांग्रेस दल भितरे जो भाई भाव फाट देखा मिलूँ अनेपटे अनेक नेता गुलाम नबी आजाद के भाई नेता दल छाड़ दौंट ये सबू राहुल गांधी का पदयात्रा भारत जोड़ो आंदोलन ये कांग्रेस पाई का संजीवनी आणब आ जो कथा कांग्रेस कहे भारत जोड़ा आंदोलन ये अभियान राहुल गांधी जिते रास्त चलुं बीजेपी से भयभीत होती कांग्रेस दल रोटे समस्या अच्छी सब बड़े जे कांग्रेस दल नेतृत्व जिते जे जहाँ कहू पचे सेटा कोठीना कोठी गांधी परिवार हाथ में ही सुरक्षित था जिते बेले भी गांधी परिवार हाथ रु पावर चली जाए अन्य माने नेतृत्व नहीं नरसिंह राव हूँ सीताराम केसरी हूँ से देखिए कांग्रेस विघटन आरंभ हो कांग्रेस समस्या आरंभ हो कांग्रेस जो सेकेंड रैंक लीडर मैंने जो मैंने सबूत कांग्रेस क्षमत थिला बेले सबुठ अधिक क्षमता सब मलई खाई था से माने जिते बड़े समय आसे टक्कीदा डेई पड़ती अन्य दल को एवं तार उदाहरण आप 90 दशक आम देखीचु प्रणब मुखर्जी शरद पवार पीए सांगमा एमने समस्ते गोटे समय सोनिया गांधी को विरोध कर दल छाड़कर पलिगले पुणी जिते कांग्रेस क्षमता को फेरला एमने जण जण कर पुणी कांग्रेस ये को बेक कले जदि शरद पवार आउ बेक करना किंतु निरंतर से कांग्रेस सहयोगी होकर रही जदि कांग्रेस दल भर से रही ना तेणु ये गुलाम नबी आजाद हूँ कि माधवराव सिंधिया ता पूर्व कि जितिन प्रसाद ता पूर्व कि मैं जो मैंने बर्तमान डेईवा को प्रस्तुत होकर अच्छा ग्रुप 23 बोल जो मान को कहकर कहार राजनैतिक जनाधार ना एमने के निज शक्ति बल निर्वाचन जीति पारे ना गुलाम नबी आजाद कांग्रेस बड़ नेता कांग्रेस थिला बेल किंतु कांग्रेस रु गला परे तांगर स्थिति जम्मू काश्मीर कौन हम सी जो मुख्यमंत्री होते कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री ना निजर गोटे किसी गोटे बड़ व्यक्तित्व थिला सी अभियोग कर राहुल गांधी पिलाड़ी आम जाइनि छुआली आम जाइनि राहुल गांधी प्रॉपर पॉलिटिकल डिसीजन नहीं पर ना खिलाड़ी आमी जदी आज जणा पड़ला राजीव राहुल गांधी को अधीन पर आपण काम कर देले राहुल गांधी जत बेले ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी रो प्रेसिडेंट थिले वाइस प्रेसिडेंट थिले सेत बेले आपण तांकर अधीन रे काम करचंती सेत बेले जनरल सेक्रेटरी थिले सेत बेले आपण लीडर ऑफ द अपोजिशन थिले राज्यसभा रे आपण को सब बेले क्षमता रे आपण रहिचंती आपण को दे आपण को राज्य बाहर आपण को कांग्रेस इलेक्ट करके आनिची महाराष्ट्र रो एवं गुलाम नबी आजाद ओडिशा दायित्व थिला बेले ओडिशा कांग्रेस को कौ स्तर को नहीं आसिले तार माने प्रत्यक्ष अनुभव आम समस्त अच्छे तेणु गुलाम नबी आजाद गोटे बड़ प्रसंग नुहति एवं कांग्रेस जैसे सेकेंड रैंक लीडर आप देखिए कांग्रेस रे जो प्रकार स्थिति होती आ खराब स्थिति हबार ना कांग्रेस हेज कम्स टू इट्स एंड पॉइंट तेणु वर्तमान कांग्रेस आउ तल को जीवार ना एठु कांग्रेस से मर ना कांग्रेस ऊपर को उठ कांग्रेस ऊपर को उठवा को हेले कोठी ना कोठी राहुल गांधी को तार दायित्व नाबा को पड़ो तेणु जो मैंने कहते हैं अग किए गोटे राष्ट्र मैंने सभापति हब ठीक अच्छे मत गोटे कथा स्पष्ट करूँ दीर्घ 8 वर्ष बीजेपी सरकार देशरे जिते स्वेच्छाचारिता बढ़ी दरदाम ठारु आरंभ करी बेकारी का पर्यंत देशरे तमाम सबुठ बड़ समस्या ए सबु परे भी कांग्रेस मुख्य विरोधी दल रे थाई अन्य जो माने अछंती जो माने एबे गठबंधन ना रे बीजेपी को हटेई पुनर्बार सरकार करबा पई वर्तमान प्रयास करुछंती से माने समस्त चुप थिले ए भारत जोड़ आंदोलन जरिया रे अभियान जरिया जिते साधारण लोकों प्रसंग रही
साधारण लोक मुह खोल पार ना एवं साधारण लोकंक मनर कथा को ये भारत जोड़ आंदोलन जरिया परिप्रकाश करहब देखु ये गोटे बाट किंतु आउ गोटे बाट हूँ गोटे पक्ष कांग्रेस निजक शक्तिशाली कर आवश्यकता अच्छे ता सहित जो स्कैटर्ड विरोधी शक्ति गुड़िक अच्छा ये देश में जिते सबू तार गोटे बड़ सफलता आप देखिले बिहार रे जे बिहार रे नीतीश कुमार एवं लालू यादव जो गठबंधन पुणी थे हैला एटा गोटे बड़ सूचना विशेषकर हिंदी हार्टलैंड रे अपोजिशन यूनिटी हूँ गोटे बहुत बड़ आवश्यकता एवं राहुल गांधी को कांग्रेस को शक्तिशाली करने सहित अन्य जो विरोधी पक्ष अच्छा से सहित गोटे भावसूत्र निर्माण करार आवश्यकता अच्छे गोटे जोगसूत्र तैयारी कर निर्माण आरंभ अच्छे जदि आपण डिफरेन्सेस गुरुत्व देवे आपण को डिफरेन्सेस गुड़िक भूलवाक पड़ो कारण आपण टार्गेट हो देश में सांप्रदायिक राजनीति को जदि आप दूर करने को चाहती ताहले सांप्रदायिकता विरोधी सबू राजनैतिक शक्ति को गोटे प्लाटफर्म को आसवाक पड़ो एवं सबू शक्ति गोटे प्लाटफर्म को आसवाक आपण को आपणकर इगो एवं एम्बिशन को छाड़क पड़ो जदि प्रधानमंत्री हेपाई समस्ते अड़ बसवे से नरेन्द्र मोदी हूँ सुवर्ण सुजोग तेणु राहुल गांधी जदि कहे मुँह प्रधानमंत्री हेबी बा कांग्रेस कह आमर ही केवल प्रधानमंत्री हे ताल प्रसंगटी से अटिज एवं आज प्रधानमंत्री किए हेब जोटा बीजेपी चाहूँगी से प्रसंग नुह बीजेपी बारंबार कहूँ जे नरेन्द्र मोदी विकल्प किए आज्ञा 1989 भी प्रश्न था जे राजीव गांधी विकल्प किए इंदिरा गांधी विकल्प किए पूर्वर अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे से बीजेपी कहते अटल बिहारी वाजपेयी विकल्प किए मनमोहन सिंह विकल्प है 10 वर्ष शासन कले तेणु विकल्प हेले जाकर गोटे राजनीति हम नरेन्द्र मोदी जदि गोटे जगार अच्छे नरेन्द्र मोदी भलिया आउ गोटे लोक हेले जाकर विरोधी दल या हूँ गोटे हास्यास्पद कथा यार किसी अर्थ ना कारण नरेन्द्र मोदी आज जहाँ ता पक्षरे क्षमता अच्छी ता पक्षरे गोटे कॉर्पोरेट समर्थन अच्छी ता पक्षरे गोटे ह्यूज इन्वेस्टमेंट अच्छी तेणु क्षमता इन्वेस्टमेंट आउ कॉर्पोरेट सपोर्ट जदि आउ गोटे लोक को मिल सी आपे आपे नरेन्द्र मोदी विकल्प हम तेणु से बड़ कथा नुह बड़ कथा हूँ सबू विरोधी राजनैतिक शक्ति को गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य को लेकर गोटे जगार निर्वाचन लड़ाक पड़ो ओके केदार बाबू आज कांग्रेस एवं राहुल गांधी जो कथा कहते दरदाम वृद्धि प्रसंग कथा कहते अटा के जी के डाली के जी के पेट्रोल दर के बेकारी के बढ़ी देशर मुद्रास्फीति को स्थित अच्छी देशर साधारण लोकंर जीवनशैली को भाव अच्छी 8 वर्ष शासन में केते अच्छे दिन आसुची ए सबु कथा को बीजेपी अस्वीकार कला कि जे राहुल गांधी मिछ कहते देखो कांग्रेस पार्टी मिछ कह से मैंने बीजेपी टैक्टिक्स तो हूँ से जे प्रसंग को लेकर आलोचना कराब ना जे गवर्नेंस को लेकर आलोचना हम ना सरकार एचिवमेंट कौन से प्रसंग को लेकर आलोचना हम ना आलोचना कौन हम नहीं राहुल गांधी कुर्ता को लेकर आलोचना हम आलोचना कौन हम नहीं मंदिर मस्जिद को लेकर आलोचना हम आलोचना कौन हम नहीं धर्म को लेकर आलोचना हम आउ बड़ आलोचना कौन हम आज आप देखिए चंपत राय राम मंदिर न्यास जे सेक्रेटरी से कहले January 24 श्रीराम को प्रतिष्ठा कराह राम मंदिर प्रसंग निर्वाचन लड़ा 2024 तेणु मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान खलिस्तान पाकिस्तान यही प्रसंग आलोचना कराब जो साधारण जनतार पकेट त्रस्त हो साधारण जनता चाउल चूड़ा किणवा को समर्थ हो रही चूड़ा किलो 40 टंका पहुँची तेल किणवा अवस्था आज बर्त साधारण जनता ना पेट्रोल 100 टंका उपरे रहीगला तेणु ए प्रसंग आलोचना हम ठीक है बाबू 8 वर्ष भितर आरएसएस रे एजेंडा थिला
राम मंदिर ठारू आरंभ करी काश्मीर पर्यंत जिते एजेंडा थिला सबु सफल हैला बीजेपी सबु एजेंडा को लागू कला किंतु साधारण लोकों को जो कथा कहा हैला प्रत्येक लोकों को 15 लाख टंका मिलिबो रोजगार मिलिबो दरदाम कमिबो ए सब प्रसंगरु बीजेपी काहे के अटी गला देखो आ ए बाबत रे आलोचना हो नहीं देखो लोकंकर भी हमर लोकंकर भी समस्या होची जे धरंतु आर्टिकल 370 हरि हटिगला काश्मीर रु आर्टिकल 370 हटिगला परे काश्मीर रु संत्रासवाद हटिला कि यस काश्मीर को जो स्वयं शासन मिलिथिला आपण तको हटाई देले किंतु काश्मीर को आपण राज्य करके रखी पारले कि चीन कबल रु भारत सीमा को आपण सुरक्षित रखी पारले कि आपण पाकिस्तान सहित गोटे बंधुतापूर्ण संपर्क तो आपणकर ना छाड़ू आमर जो पड़सा जो मैंने अच्छा से मानकर सहित आम बंधुता ठीक अच्छे कि चीन रो जो अच्छी आपणकर गुप्तचर जहाज सीए श्रीलंका बंदर में लगे आप अटक पारे कि तेणु आर्टिकल 370 गोटे आईओ आसिकी केवल अच्छे आम आर्टिकल 370 हटे देव हेला कौन तापर आप काश्मीर में बर्तमान घर कर रही पार काश्मीर लोक मरुना काश्मीर आप निर्वाचन कर पारे काश्मीर राजनैतिक शांति आसल फेरी आसला से प्रसंग आलोचना हम ना ये देशर प्रति जदि कह घट घट में बसे हैं राम प्रति व्यक्ति तो हूँ राम प्रतिभू ठीक अच्छे राम गोटे भव्य मंदिर निर्माण करेंगे आप कर तो आपन तो निजे करना सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है आप कर सहीटा आपण कौन सफलता हम आप जो कही प्रति वर्ष 2 कोटी लोक चाकरी देवे से प्रसंग में आप कहीं कहना नीतीश कुमार कहीं हाथ छाड़े जे बहुत हुई महंगाई की मार अबकी बार मोदी सरकार बोल आपते दर वृद्धि आप कम पारना कहीं आपणकर उज्ज्वला योजना कहीं विफल है आपणकर जनधन योजना कौन है जवाब अच्छे आपणकर आप एत गुड़ा जो नुआ नुआ स्कीम कही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तार सफलतार हार केते एम्प्लॉयमेंट जेनेट कर लोक बैंक फोल्ड भितर को आनी आपत बहुत गुड़ा नुआ स्टार्टअप तैयारी से स्टार्टअप मानकर अवस्था कौन आपते कोटी टकर कलाधन विदेश फेरेक आणले जोटा आप गोटे बड़ प्रतिश्रुति जे आप कलाधन फेरेक आणवे से लोकर एकाउंट को आप फेरइबे आप जुमला कह खसीगले आराम या भितर बर कलाधन स्विस बैंक बढ़ी चलला विदेशी बैंक मानक बढ़ी चलला इनभेस्टमेंट आपत आणुंट जिते मनमोहन सिंह देश प्रधानमंत्री थे गोटे कथा आम प्रतिदिन शुणुलु जे आज एति कोटी टकर डिसइनभेस्टमेंट मैं इनभेस्टमेंट है भारत में एवं भारतीय कंपनी माने सेते बेले जाईकरी बहुत बड़ बड़ विदेशी कंपनी गुड़ा को एक्वायर करुले आपण मते कहंतु जे गत किछि वर्ष भितर केते जन भारतीय कंपनी विदेश को जाईकरी बड़ कंपनी एक्वायर करचंती केते कोटी टंकार डिसइनभेस्टमेंट हेइछि एवं केते नुआ इन्वेस्टमेंट आसीछि किछि उत्तर आपणकर पाखरे नै अच्छा आपण कहते मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया इत्ते जो स्लोगान देते से स्लोगान गुड़ाकर भविष्य कौन मेक इन इंडिया पॉलिसी जो वर्तमान भारत सेना बाहन अस्त्रशस्त्र संख्या कमी जाऊँगी बोलिकी गोटे रिपोर्ट आसला से संपर्क आपणकर प्रतिक्रिया कौन आपणकर जो अच्छा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सी कोटि कोटि टंकार घोटाला करी गोटे ऑडिट रिपोर्ट आसला से रिपोर्ट को आपड़ कहीं लुचे रखिंट मध्यप्रदेश गोटे बंध या बंध उद्घाटन हबार 7 दिन भितर से बंध धोईगला से संपर्क में आपड़ कौन उत्तर दौरान बैंगलोर सहर जो आईटी हब से आपणकर सरकार अच्छे आप कांग्रेस दायी आसाम रे एते बड़ा बन्या है आम पाकिस्तान बन्या को लेकर बहुत चिंता प्रकट करते कि आसाम बन्या आसाम बन्यार प्रतिकार आपण कौन
योजना अच्छी बाबू से प्रसंग आप छाड़ बीजेपी एवं आरएसएस बंधु मान कौन आम खाकी हाफ पैंट रे कहीं कांग्रेस निया लगे खाकी हाफ पैंट नुह मोर तो सीधा साल प्रश्न अच्छे भाई भाई खाकी पिंधुच ना नाई जदि खाकी पिंधुन तेल खाकी जीते कहीं उठ तमर तो खाकी निकर आई तमें तो नील रंग मान पूरा पैंट पिंधुच निकर पचर कहीं पड़च फोटो को लेकिन बिभ्रत कहीं बीजेपी बंधु माने आरएसएस बंधु माने आरएसएस बिभ्रत हो ना आरएसएस बीजेपी भी तो संपर्क कौन बुझा आप आसाम बांगलोर में बनिया कथा कहते हैं कि खाकी पैंट लगेगला बाबद चर्चा हेनी मन दुख करेंगे केदार बाबू आरएसएस मोर कह क्या हूँ आरएसएस मन दुख हबार कारण आरएसएस एत लोक मन दुख कर देश कहते पुणी थे बारंबार कह चाहिए ए देश रे जेतिकी दंगा हेची एवं दंगा करूथबा संगठन किए से संपर्क रे जदि आपण जानिबा को चाहंती ताले कंधमाल दंगा करे ये लगेची जो नायडू कमिशन हेतला नायडू कमिशन रिपोर्ट के टिके देखंतु आपण कानपुर दंगा रे कमिशन जो रिपोर्ट दैछि ताकू देखंतु आपण भागलपुर दंगा कमिशन तांकर रिपोर्ट देखंतु एपर के सिरिक विरोधी दंगा जो कांग्रेस को बदन निंदित होगा पड़ी से आरएसएस भूमिका कौन थी ताकूटे पढ़तु तेणु आरएसएस एवं दंगार संपर्क हूँ क्षीर निरर संपर्क ये दिजा मिसिक बाबू तेणु एम गोटे एड़िके कौटे नि धूआ को लेकर डर लोक नुहत जो मैंने नि लगे आज सामान्य खाकी पैंट रे एक अल्प निया लगे कांग्रेस निर फोटो को देखिक डर लोक आरएसएस वाला नुहति गोटे राजनीति चलती राजनीति हूँ आम देखा चाहूँ केरीह आमर निरीहता एत अधिक आम कि करना देखे आरएसएस बंधु मान आम हूँ महात्मा गांधी मान महात्मा गांधी हत्याकारी को मंदिर बसई लोक महात्मा गांधी को बहुत प्रशंसा कर जितेबले आप नागपुर ये जो विजयादशमी भाषण शुणी थे जो मोहन भागवत गांधी को प्रशंसा करते कि चला चामुंडा मान प्रतिदिन गणसर पूजा कर सबरकर पूजा होने एपटे कहे आम गांधी मान नरेन्द्र मोदी चरखा चलाउंट गांधी फोटो को पछपटे थोकरी एपटे अमित शाह अफिस सबरकर फोटो रखिंट सबरकर किए ये हूँ से सबरकर जी महात्मा गांधी हत्यार अन्यतम अभियुक्त yes. प्रमाण मिलले ना बोल से खलास सीना हेले किंतु से तो अभियुक्त ना एवं तांकु बुलबुल चढ़ई डेणारे बस कड़े जाऊते पढ़ाते जो कलापाणी कौटी जाऊते भगवान को जना सबरकर बुलबुल बसिक हे तो जो ब्रिटिश मास्टर्स पाक जाऊे आउ गोटे मजा कथा हो जे ब्रिटिश महाराणी एलिजाबेथ देहांत है महाराणी देहांत है अत्यंत जातीयतावादी बीजेपी सरकार गोटे दिन ये राष्ट्रीय शोक पालन कले गोटे कथा प्रमाणित होगा जे भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस एम हूँ स्वाधीनता आंदोलन समय माने ब्रिटिश रो गुलाम थिले yes. स्वाधीनता परे मध्य से गुलामी जाई नहीं तेणु जेते जेते कर्तव्य पथ राजपथ को बदले देकर कर्तव्य पथ कहिले मध्य से गुलामी पुणी थरे प्रमाणित हला जेते बेले आपण ब्रिटिश महाराणी ए देशर जातीय पताका को गोटे दिन जो माने इत्ते अत्याचार करिसेंति देश प्रति जो माने देश को लुंठन करिसेंति तेणु एमानकर चरित्र होउची एमाने उपनिवेशवाद रो समर्थक थिले एमाने सांप्रदायिकतावाद समर्थक थिले एमाने असहिष्णुतार सबुठ बड़ राजदूत भाव काम करती एवं एमाने होचंती ए देशरे हिंसा एवं निया लगाइबार सबुठ अग्रणी संगठन तेणु एमाने जेते बेले निजको विक्टिम बोलिकरि कहउचंती विक्टिम कार्ड प्ले करचंती सेइटा आदो विश्वास योग्य सत्य नुह एमाने कोठी ना कोठी कांग्रेस रा भारत जोड़ो यात्रा को देखी भयभीत आपण देखिबे
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କର ଭାଷଣରେ, ଅମିତ ଶାହଙ୍କର ଭାଷଣରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ ମାନେ ଆସିକରି ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରୋ ବିଜେପି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଣ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବକ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇକରି ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରିଏକ୍ସନରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବାର ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ଏଗ୍ରେସନ ବୋଲି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଗ୍ରେସନ ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜର ପାପ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡିଫେନ୍ସ। ଓକେ କେଦାର ବାବୁ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆରଏସଏସ୍ ଏବଂ ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତ ଖାକି ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତଳେ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ କୋଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, 145 days more to go। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କେଦାର ବାବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 150 ଦିନର ଯାତ୍ରା, 155 ଦିନର ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ବିଜେପିର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଆ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ 100 ଦିନ ଆଉ 150 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ସେତେବେଳକୁ ଦେଶର ପରିବେଶ କ'ଣ ଥିବ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋର କଲା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଳି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଳି କରିବାର ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଳି କରିବେ। ବିଜେପି ପାଖରେ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା, ବିଜେପିର ଏଜେଣ୍ଡା ଗତକାଲି ବି ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ। ବିଜେପିର ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ନିରନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବେ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହିନ୍ଦୁ ହୃଦୟ ସମ୍ରାଟ, 8 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଭାବନାଟାକୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ସେମାନେ ରଖି ଚାଲିବେ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଆମେ କାଶ୍ମୀର 370 ଧାରା ଉଠାଇଦେଲୁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ 15 ଅଗଷ୍ଟର ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ 2022 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ ବୋଲିକରି, କୃଷକମାନଙ୍କର ଆୟ 2 ଗୁଣ ହେବ 2022 ସୁଦ୍ଧା ବୋଲି ସେ କହିବେ, 2030କୁ ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ସେଇଟା କହିଲେଣି 2047କୁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତୁ, ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଶତବାର୍ଷିକୀ, ଆଉ 25 ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ। ତେଣୁ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଚୀନ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନହଉ, ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ 100ରୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ପରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ସେ ହେଉଛି ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଯିଏ ମୁହଁ ଖୋଲିବ ତାକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲିକରି କହିକିରି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିଦେଲେ ଯେ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ଉଠିଲା କି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ସେ ହାଫ୍ ନିକର ଅଛି କି ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ ହାଫ୍ ନିକରଟା କାହାର? କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ବୋଲିକିରି କ'ଣ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନୁହଁ ବୋଲିକିରି ଆପ୍ୟାଣ୍ଟ କହିଲେ ତ ଚିଡ଼ିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଷ୍ଟର୍ଟାକୁ ସବୁଠି ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ମୋର ସେଠି ଏଠି ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 144 ମୋର ଟୁ ଗୋ, ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାକି ନିକର କାହାର, ୟାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ଭାଇ ଆସିକି ନେଇଯା, ତମେ ତ ଖାକିରୁ ବ୍ଲୁକୁ ଗଲଣି, ସେ ଖାକି ପଛରେ ପଡ଼ିଛ କାହିଁକି? ତେଣୁ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଯେ ଭାଇ ଏଇଟା ତମର କି ତମେ ପିନ୍ଧୁଛ, ଯଦି ପିନ୍ଧୁନ ୟାକୁ ନେଇକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ତମର? ସେ ସୁଧୀର ଚୌଧୁରୀକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଖାକି ନିକର ତମର ଏଇଟା? ରିପବ୍ଲିକ ଟିଭିକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ତମର ଏଇଟା? ଆଶକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ଏଇଟା ତମର? ଅରୁଣପୁରୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଯଦି ତମେ ନିଜେ ପିନ୍ଧୁନ, ତମେ ନିଜେ ହାଫ୍ ନିକର ଶାଢ଼ୀରୁ ପଳେଇ ଆସିଲଣି, ତମେ ଖାକି ନିକର ଆଉ ପିନ୍ଧୁନ ତାକୁ
ମାନେ ଭୁଲି ସାରିଲଣି। କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଜି ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ତମେ କହୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ଭାଇ ତମେ ତାକୁ ଡମ୍ପ କରିଦେଇଛ, ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତମର ଏତେ ମାନେ ପୋଡ଼ାଗଳା କାହିଁ ହେଉଛି? ओके बहुत बहुत धन्यवाद केदार मिश्रा वरिष्ठ सांबादिक दर्शकबंधु आलोचन समय लेते आम आज एजेंडा आलोचना करते बीजेपी एवं आरएसएस भयभीत अच्छी खाकी पैंट रे कुआडे कांग्रेस निया लगे आ145 दिन भितरे बीजेपी एवं आरएसएस देशर कुआडे मुक्त हो जाए। दर्शकबंधु ये केवल एक सांकेतिक फोटो, ये फोटो एवं आरएसएस नुहे दर्शक बंधु, आरएसएस पैंट रो कलर मध्य बदली सारी, साइज मध्य बदली सारी, किंतु एबे भी खाकी पैंट रे केवल फोटो रे निया लागिले भी बीजेपी एवं आरएसएस बंधु माने भयभीत ही होउछन्ते, डरी जाउछन्ते। दर्शक बंधु इस सबूर कारण कौन? दर्शक बंधु यार अर्थ होची दर्शक बंधु दीर्घ 8 वर्ष शासन करथुबा बीजेपी रे सरकार एवं सहयोगी आरएसएस देशरे जो बड़ी भावे अशांति को वृद्धि करिचंती, हिंदू मुसलमान के भितरे विभ्राट सृष्टि करिचंती, विच्छेद सृष्टि करिचंती एवं विभिन्न जगारे दंगा सृष्टि करिचंती, जोटी निया लगे कि हिंदू मुसलिम का भितरे भाईचारा को नष्ट करिचंती। आज जेतेबेले सेमानकर पूर्व हाफ पैंट रे कांग्रेस फोटो जरिया रे निया लगे दीची, सेतेबेले बीजेपी एवं आरएसएस रा बंधु माने भयभीत होउचंती। आर कारण होउची दशे बंधु जे जो भली भावे कांग्रेस भारत जोड़ा आंदोलन अभियान आरंभ करी एवं राहुल गांधी लोकों सहित कनेक्ट होती, यह जरिया बीजेपी भयभीत हो आगामी 2024 साधा निर्वाचन पुणी कांग्रेस हाथ को चली जाए। कारण बीजेपी पाखे दर्शक बंधु प्रसंग ना पूर्व बहु बार कही जिते केन्द्र मंत्री लोकों पाख को बुली जाए बुली ले भी, जिते केन्द्र मंत्री गरीब लोकों घरे सुस्वादु खाद्य खाइले भी लोकों भितरे जो आक्रोश रही बीजेपी रा शासन प्रणाली को लेकिन शासन को लेकिन लोक जो नाखुश अच्छा ये सब एक उग्र रूप धारण करने को जा एवं कांग्रेस रा ए भारत जोड़ अभियान जरिया रे कांग्रेस शक्तिशाली होउची एक कथा बीजेपी अनुभव कर सारलाणी। जोति पाई दर्शक बंधु एबे फोटो रे निया लागिले निया रा दृश्य देखिले भी बीजेपी एवं आरएसएस रो नेता माने भयभीत होउचंदे जे सरकार चली जाई पारे 2024 रे आउ 145 दिन परे देशर चित्र बदली जाई पारे, लोक बीजेपी को छाड़ी कांग्रेस रा हाथ सहित हाथ मिल पारती। युति पाई दर्शक बंधु आज बीजेपी भयभीत अच्छे ए प्रसंग को लेकिन दर्शक बंधु आम आलोचना करते बहुत बहुत धन्यवाद केदार मिश्र को ये लंबा समय धरिकी आम सहित वितर्क सामिल है। दर्शक बंधु आज एजेंडा को ये रखा आसंता काली ए समय आप सहित देखा हम नमस्कार।